हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज हम कॉपर वायर कूलर मोटर वायरिंग भाग तीन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन रनिंग कॉइल में यह मेडिकल टेप लगा लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, अब हम इस स्टेटर को बाक मशीन में लगाकर इसकी स्टार्टिंग कॉइल को इसमें बिठा लेंगे। यह देखिए दोस्तों, मैंने स्टेटर को बाक मशीन में लगा लिया है और स्टार्टिंग कॉइल को पहले से ही बनाकर रखा है। तो अब हम कॉइल को इस तरह बिठालना शुरू करते हैं, जिसकी कि पिच होती है 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 3 बार। तो रनिंग कॉइल के ऊपर 1 से 4 में कॉइल आती है। यह देखिए दोस्तों, इसके बाद यह दूसरी रनिंग कॉइल के ऊपर भी कॉइल बैठती है। 2 स्लॉट बीच में हम छोड़ देते हैं और चौथी स्लॉट में कॉइल को डालते हैं। इस प्रकार इसके बाद ऊपर हम यह स्लॉट पेपर लगा देते हैं ताकि कॉइल स्टेटर से शॉर्ट ना हो। अब हम इस छोर से कॉइल को घुमाकर खाली स्लॉट में बिठालते हैं और दूसरी ओर भी खाली स्लॉट में कॉइल को बिठालते हैं और स्लॉट गिन लेते हैं। यह 1 से 6 में 3 बार इस प्रकार घुमाकर कॉइल को बिठाया जाता है। यदि मेरे दोस्तों ने मेरा कॉपर मोटर वायरिंग भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो वह ज़रूर देखें। उसके बाद आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब हम इसका आखिरी राउंड जो रहता है 1 से 6 में 3 बार इस प्रकार कॉइल को मोड़कर स्लॉट के बीच में डाल देते हैं। आखिरी राउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पर सावधानी से कॉइल बिठाने पर यह आसानी से स्टेटर स्लॉट में चली जाती है और ऊपर से हम यह स्लॉट पेपर भी लगा देते हैं। यदि एक बार में पूरे वायर अंदर स्लॉट के नहीं जाते हैं तो हम आधे आधे वायर भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं। यह देखिए दोस्तों, कॉइल स्लॉट में डालने के बाद इसके ऊपर हम यह पेपर लगा देते हैं। इसके बाद अब हम
अगली कॉल को स्टेटस में डालेंगे, जिसमें कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कनेक्शन वायर माइनस में माइनस रहे। तो इस प्रकार हम दूसरी कॉल को इसमें ऐड करेंगे। तो इस प्रकार हम पहली बार कॉल को सीधा बैठालते हैं और दूसरी बार में हम कॉल को उल्टा बैठालते हैं। इससे हमारा माइनस पे माइनस वायर जुड़ जाता है। और यदि आपको समझ में ना आए तो कॉइल के दोनों सुरों को, एक को प्लस और दूसरे को माइनस मान लीजिए, और पहली कॉइल का प्लस वायर बाहर निकालिए और दूसरी कॉइल के माइनस को अगली कॉइल के माइनस से जोड़िए, तो आपके कनेक्शन पूरी तरह सही हो जाएंगे। इस प्रकार हम 1 से 6 में 2 बार कॉइल को बिठालते हैं। इसके बाद हम तीसरी बार राउंड लगाकर 1 से 6 में तीसरा राउंड लगाते हैं। इस प्रकार आखिरी राउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, पर कॉइल आसानी से स्टेटर में बैठ जाती है। इसके बाद हम स्लॉट के ऊपर पेपर लगा देते हैं। यह देखिए दोस्तों, हमारी 2 कॉइल स्टेटर में ऐड हो गई हैं। स्टेटर की जो मोटाई है वह 1 इंच है। 1 से 4 में बैठालने के पहले हम स्लॉट के बीच में जगह बना लेते हैं ताकि कॉइल आसानी से स्टेटर में ऐड हो जाए। अब हम यह सीधी कॉइल को इसमें बैठा लेंगे। यह देखिए दोस्तों, इससे हमारे कनेक्शन सही आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे वीडियो बनाने में हौसला मिलता है। इस प्रकार कॉइल बिठाने के बाद पेपर लगा देते हैं। यह 7 नंबर PCB फिल्म पेपर होता है, इसकी जगह हम लेदर पेपर, लेदर शीट पेपर भी उपयोग में ला सकते हैं। जिससे आपको बाइंड करने में आसानी महसूस हो वह आप लगा लीजिएगा। इस प्रकार हम कॉइल को मोड़कर 1 से 6 में 3 बार कॉइल को ऐड कर लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, हमारी तीसरी कॉइल भी स्टेटर में आसानी से ऐड हो गई है। इसी प्रकार हम अगली कॉइल को भी स्टेटर में ऐड करेंगे। इस प्रकार
अब हम अगली क्वाल को भी स्टेटर में ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी आखिरी और चौथी क्वाल स्टेटर में हम ऐड करेंगे। पहले स्लॉट के बीच में हम जगह बना लेते हैं और चौथी क्वाइल को इस प्रकार ऐड करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारी स्टार्टिंग क्वाइल की चौथी क्वाइल हम स्टेटर में ऐड करने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि हमारे कनेक्शन सही हो। यदि कनेक्शन उल्टे या गलत हो जाते हैं तो हमारी मोटर घूमेगी नहीं। कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। क्वाइल के दोनों सुरों को आप किसी को प्लस मान लीजिए और किसी को माइनस मान लीजिए तो आपके कनेक्शन कभी गलत नहीं होंगे। इस प्रकार हम यह 1 से 6 में दूसरा राउंड लगा रहे हैं। दूसरे के बाद यह आखिरी 1 से 6 में तीसरा राउंड हम क्वाइल का लगा लेते हैं और आसानी से इसके ऊपर स्लॉट पेपर को लगा लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, हमारी आखिरी क्वाइल भी स्टेटर में आसानी से ऐड हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी टेपिंग कर लेते हैं। इस धागे की सहायता से हम कनेक्शन की दूसरी ओर टेपिंग कर लेते हैं। टेपिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कॉइल का वायर कहीं से टूटे ना। और आसानी से हम इस प्रकार टेपिंग कर लेते हैं। कभी कभी यह टेपिंग करते समय वायर उलझ जाता है। यह देखिए दोस्तों, हमारी टेपिंग कंप्लीट होने जा रही है। यह देखिए दोस्तों, हमारी टेपिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कनेक्शन की ओर चलते हैं। तो यह हमारा स्टार्टिंग वायर है और यह हमारी रनिंग कॉइल के हमने 2 वायर निकाले हैं, जो कि एक एसी के लिए जाएगा और दूसरा कैपेसिटर के लिए जाएगा।
तो हमने स्टार्टिंग कॉइल का प्लस वायर और रनिंग कॉइल का प्लस वायर आपस में जोड़ लिए हैं और एक वायर स्टार्टिंग का और एक वायर रनिंग का हमारे कैपेसिटर के लिए जाते हैं। तो कनेक्शन करने के बाद अब हम इसकी भी टेपिंग कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, अच्छी तरह हम टेपिंग कर लेते हैं। जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, यदि आप इस प्रकार कार्य करेंगे तो आपको आसानी होगी और आपका कार्य सक्सेसफुल रहेगा। इस प्रकार धीरे धीरे हम स्टेटर की क्वालों की टेपिंग कर लेते हैं। कनेक्शन के नीचे भी हम मेडिकल टेप को रख देते हैं ताकि हमारे कनेक्शन वायर के यहाँ से कोई भी स्पार्किंग ना हो। इस प्रकार, और देखिए दोस्तों, यह हमारी टेपिंग कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमारा अगला कार्य इसके ऊपर इंसुलेशन पॉलिश का करना होता है, जिससे कि जब हम बाइंडिंग करते हैं तो कोई भी वायर कट चल जाता है तो उसमें मजबूती प्राप्त हो जाती है और हमारी कॉइल स्टेटर से चिपक कर रहती है। अब हम इसके ऊपर इंसुलेशन कर देते हैं। हमने इंसुलेशन करके इसको इसके बल्बों में सेट कर लिया है और आखिरी कार्य है इसका टेस्ट करना, जो कि देखिए दोस्तों, यह हमारी कूलर मोटर अच्छी तरह से वर्क करने लगी है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।